हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्पेशल है। आज भाई आ रहा है हमारा यहाँ पे, वो भी साथीदार को लेके आ रहा है जो हम लोग गए थे बेंगलोर में शादी के लिए। तो भाई 2 महीने बाद फिर से घर पे आ रहा है मुंबई में, पनवेल में, और यहाँ पे उसके सब खास फंडर लोग आ गए हैं। सब घर पहले ही क्लीन करके वहीं को सफाई देना है उनको। देखो सब घर 3 महीने से बंद था तो इतना कचरा था, इनको साफ करते 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 पूरा 2 घंटा हो गए इनको साफ करते करते। ये देखो ये 4 महीने से इधर ही है, तो लोग बहुत थक गए अभी काम करके। सब डेकोरेशन चालू है यहाँ पे इनका, तो उनको हम लोग एक ग्रैंड सरप्राइज देने वाले, बट वो लोग आने वाले रात को 3-4 बजे। तब तक देखते हैं कौन जागता है कौन सोता है। तो अभी तैयारी और बाकी है हमारा डेकोरेशन के लिए। दोनों वेडिंग को बुलाया यहाँ पे, और वो जो बिना काम वाली है वो है उधर बैठी हुई है, ये देखो बिना काम वाली। 5 महीने रहने के केकला कितने महीने रहने? 5 महीने। उनको भी केला होता है, केक क्यों आता है इनसे सरप्राइज। तो गाइज रात के 12:30 बज गए और अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई का ट्रेन कहाँ पे पहुँचेगा। भाई आ रहा है बेंगलोर से पनवेल ट्रेन पकड़ा है एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग और तैयारी करना है, डेकोरेशन करना है। सब क्लीनिंग तो सब हो गया है, अभी बस थोड़ा बाकी है, वो डेकोरेशन बाकी है, वो भी कर देंगे जल्दी से जल्दी। ये मैडम ने सब तैयारी किया है यहाँ पे, उसको वो कब से 3 दिन से पीछे लगी है कि भाई क्या डेकोरेशन करना है, क्या डेकोरेशन करना है। देखो इसके लिए वो आज मेकअप भी नहीं किया है उसने, उसको टाइम नहीं मिला है आज, बहुत तैयारी कर रही थी वो आज दिन भर। फाइनल डेकोरेशन आपको दिखाते हैं थोड़े ही टाइम में, तब तक बच जाएंगे 2-3। कोई नहीं भाई, हम लोग को बड़ा पार्टी देने वाला है, ताज में लेके जाने वाले हैं वो। और इस तरह से हम लोग प्लानिंग करें वहीनी को सरप्राइज देने का, चारू भाभी को। सत्यनारायण की पूजा है ना सुबह। अच्छी लड़की मिलने के लिए दीपक क्या कर रहा है अंकल? जल्दी से जल्दी लड़की देखना है मेरे लिए भी। ये हमारे फॉरेनर वाले तो गाइस कोई भी डेकोरेशन करना होगा तो इनको बुलाना है, लोग ऑर्डर लेते हैं 5,000 रुपया 1 घंटे का। अरे बाप रे, सब डेकोरेशन करके देते हैं लोग, 5,000 पर पर्सन। सब साहित्य के साथ में डेकोरेशन, 1 करोड़। तो गाइस अभी रात के 2:30 बज गए और ये लोग ने सोने नहीं दिया है, फिर से ये लोग ने उठाया है। और ये देखो इनका चालू हो गया यहाँ पे डेकोरेशन करना। यार बता रहे हैं ये देखो चाल। गाइस इधर ये लोग का बहुत टाइम पास चल रहा है, बना रहे फिर निकाल दे रहे, बना रहे फिर से निकाल रहे, क्या चल रहा है ये लड़कियों का। ये लड़कियों में झगड़ा चालू है गाइस यहाँ पे, ये कलर नहीं वो कलर, वो कलर नहीं ये कलर।
देखो गाइस कितना तो डेकोरेशन बना दिया आपने। लास्ट लगी थी। बस। हमारा स्कोप टूट गया। हम तो भाई पूरे 3 बज रहे गाइस और इनको भूख लग रहा है। तो देख रहे कुछ मिल रहा है क्या पिज्जा वगैरह। देखो गाइस आइसक्रीम आ गया हमारा। ये काम करते करते आइसक्रीम मंगाया। देखो और अभी पिज्जा भी आ रहा है हमारा। पिज्जा भी मंगाया। हाँ इसको फ्रेंच फ्राइज चाहिए। देखो इतने रात को फ्रेंच फ्राइज मनत बोल ली चार बार मनत ना। गाइस पीछे काम चालू है और मैं भी थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी। खाने का काम कर रही है। ठीक से ओ छोटू ओ हाँ ठीक से ओ छोटू ओ और छोटू को बुलाया आज काम करने के लिए। सीरियसली एकदम बोलितला सर जी बराबर है क्या? हाँ बराबर है बराबर है। इसका और 75 लगेगा। दे दिया 150 देंगे 10 करोड़। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट थोड़ा पूरा तैयारी हो गया और 3:30 बज गए और ये देखो फिर भी इनका कुछ ना कुछ चालू ही है। तो गाइस अभी हमारा पिज्जा का ऑर्डर आ गया। ये देखो गाइस पिज्जा आ गया अभी हमारा। अरे भाई बहुत पिज्जा पिज्जा 10 करोड़ से 10 करोड़। तो गाइस अभी इधर पिज्जा पार्टी चालू है। रात के 4:15 बज गए। सबको मॉर्निंग जाना है काम पे। सब मॉर्निंग वाले बैठे उसका उपवास है। उसका फ्राइज आ रहा है अभी भी। उपवास का फ्राइज नहीं होता पे। अब हम लोग इधर पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। ये देखो गाइस एक और ऑर्डर आ गया। गीता भाई का एक जमीन गया है ना। नहीं कोपरा गया है। कोपरा गया है जिधर वो बाथरूम बांधने वाला था। तो इसके लिए वो ऑर्डर पे ऑर्डर ऑर्डर पे करे जा। हेलो भाई पहला पिज्जा हट हो गया अभी बर्गर किंग है फिर आइसक्रीम मंगाया था। प्राइस खा रहे उपवास को। अभी फ्राइज खाएंगे कल साबुदाने की खिचड़ी खाएंगे। खाओ 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 खाते रहो खाते रहो। गाइस ये देखो 6 बजने आ गए। पूरे मन पे लिया है भाई ने। पढ़ो
गाइस। वेलकम वेलकम वेलकम। कुछ काम नहीं है। अरे साफ सफाई कौन करना? मम्मी। हाँ, क्या जवाब लगा? हाँ, आपने तो क्या था? 5 महीने था। 5 महीने से केक। फोटोत कुठे कळते पारस? ये काय पारस एंट्री करना पड़े। बोलो बोलो कंटिन्यू कंटिन्यू। गावच्या बीचवर खेळत होतो क्रिकेट। गावच्या बीचवर खेळत होतो क्रिकेट। चरिश्मला बघून पडली माझी विकेट। फर्स्ट प्रॉमिस, मम्मी को आराम मिलेगा ना यार? अम्मा के रेस्ट कर पे, मम्मी को आराम दूंगी, इंडिया चलेगा, मैं मम्मी को आराम दूंगी। ओके शाबाश। कार्तिक को हमारे साथ छोड़ोगे ना? सगळ्यात मोठा आगे तो आने नहीं मिलेगा। कार्तिक को फ्रेंड्स के साथ छोड़ूंगी, उधर नहीं छोड़ा, इधर क्या छोड़ा? कार्तिक को फ्रेंड्स के साथ नहीं छोड़ूंगी, अरे मम्मी नहीं रुका पाई तो तुम कर थर्ड तुम्ही पिपा को फिश बनाओगे? दादा पे जेल पूरा नॉट एडजस्ट हाँ मैं झेलूंगी, मैं सबको झेलूंगी। ये खतरनाक है, सबके साथ एडजस्ट हो जाऊंगी। सबके साथ एडजस्ट हो जाऊंगी।
मेरे को बीच बना के देखो अभी हमारे भाभी सा आ गई है, अभी सब प्रोग्राम वगैरह हो गया हमारा, सब लोग पारोसी बैठे गाइस, ये देखो यहाँ पे सब सेटल हो गए। थैंक यू आपका नहीं है ना, इसमें जितना रहेगा वो मेरा। कैमेरा कडे बघत आणि बिल तू भरणार नाहीये, ती बोलते स्वतः जेवण बोलून सगळ्यांसाठी। अभी डील हो गया है भाभी से, हम लोग के सबके लिए खाना बनाने वाले, तो देखते हो खाना खाने के बाद हम लोग अगर अगला ब्लॉग आया तो हम लोग है समझ गए। बराबर चलेगा फिश बिरयानी में, हम खाते डन ढाबा में पार्टी है और उसके पहले खाना बनाना है। ओके टोकन दे दो, टोकन दे दो, इतना ही है मेरे पास, बोलो इतना ही है मेरे पास। भाई फुला अंबानी सारखं वाटतं, पैसे काढता देव देव, मी 500 रुपये रिटर्न देते। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5,000 रुपये। मी काय बोलते ती आई 5,000 झाली, 1-0 लावलं मी। मी काय बोलते डॅडी ना देऊन ठेव पैसे, डॅडी डबल करून देतील आम्हाला। दोनों कपल्स का एंट्री हो गए और यहाँ पे देखो सब डिस्कशन चालू है, पार्टी कहाँ पे होने वाला है क्या, तो प्लान फिक्स हुआ है हमारा गोली का ढाबा का, पार्टी मिलने वाला है हम लोग को और भाभी सा हमारे लिए खाना बनाने वाले सबके लिए। मैं बोल कुठली बाई जाता बोल, भाभीची भाभी आणि माझी आणि ताईची टीम आहे, हां आम्ही टीम आहे, ती वेज वाल्यांची टीम आहे। आता तुझ्या सोबत खेळायला कोण नाही येणार किसके लिए बैठी है, अरे बाबा।